फ्राइडे को हमारे देश के बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर, महाराष्ट्र टॉप कॉप, एटीएस के चीफ रह चुके हैं, डीसीपी रह चुके हैं, अपने ज़माने के हरक्यूलिस कहे जाने वाले टॉप कॉप ऑफिसर हिमांशु रॉय सर की सडन डेथ से सारा महाराष्ट्र, सारा मुंबई, सारा हिंदुस्तान शॉक में था। लेकिन एक जलील इंसान है जिसका नाम है प्रशांत पी उमराव, उनकी ये ट्वीट पे नज़र डालिए आप। उसमें उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र एटीएस चीफ जो है कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने करकरे साहब, सालस्कर साहब, कामटे साहब के साथ में काफ़ी हिंदुओं को टॉर्चर किया है, तो उन्हें कर्मा की सज़ा मिली है। इस बदतरीन इंसान पर मैंने कंप्लेन लॉन्च किया हूँ डीसीपी साइबर क्राइम सेल को कि प्लीज़ इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा बराबर से, तो जब यूपी में जाकिर त्यागी नामक एक लड़के ने जब यूपी सीएम के ऊपर कुछ फेसबुक पे पोस्ट किया था, तो उसको 40 दिन की सज़ा मिली थी और 24 आवर्स में उसके ऊपर एक्शन लिया गया था। मैं ये कंप्लेन करने में लेट नहीं हुआ हूँ, मैं वेट कर रहा था। जब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है ये ट्वीट के ऊपर। लेकिन जब कुछ एक्शन लिया नहीं गया तो मुझे पर्सनली यहाँ पर उठकर आना पड़ा और मैंने डीसीपी साहब को पर्सनली कंप्लेन किया हूँ कि सर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और रॉय सर की ज़िंदगी में उनके जितने केस उन्होंने सॉल्व किए उस पर उनके काफ़ी दोस्त बने, दुश्मन बने। तो उसमें खालिद मामू करके एक है, महाराष्ट्र संगति शक्ति सेना के प्रेसिडेंट है, इनका मुझे बड़ा साथ मिला और इन्होंने मुझे साथ दिया, हिम्मत दी और डीसीपी सर से बात कर फ़ोन पे बात कर कोऑर्डिनेशन किया। ये पर्सनली भी मुझे मिले, लेकिन कुछ काम से इनको फिर आज से रमज़ान की शुरुआत है तो कुछ गरीबों को अनाज वगैरह ये तकसीम करते हैं, तो उसके चक्कर में, उसकी मशगूलियत के चक्कर में ये वहाँ पर निकल गए। मैं खालिद मामू का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सारे लोगों का जो इस देश पे, इस देश के बड़े कॉप के ऊपर जिन्होंने दुख जताया कि हमारे देश ने, हमारे महाराष्ट्र ने, हमारी मुंबई ने बहुत बड़ा एक कॉप खोया है, तो ये मेरी रॉय सर को श्रद्धांजलि है, ये मेरी करकरे सर को श्रद्धांजलि है, ये मेरी कामटे सर को श्रद्धांजलि है, सालस्कर सर को श्रद्धांजलि है कि मैं ऐसे लोगों का जो साइबर का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इनका अकाउंट डीएक्टिवेट करवाऊँगा और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सर से मैंने, डीसीपी सर से मैंने ये लिया हूँ कि सर आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। बस दुख अपना जाहिर करने का ये तरीका है मेरा कि जो मैं जिनको रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर उनके लिए कोई गलत बात करेगा, फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वो अगर किसी के सामने आपत्तिजनक कोई कमेंट करने के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।